वेलकम टू इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम आपको बी फर्स्ट के बारे में बताएंगे कि बी फर्स्ट ये इसका जो मटेरियल होता है, जो मिट्टी होती है, ये इसमें सिर्फ मिट्टी होती है। हल्के हल्के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके ग्रेनुलर के आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर मिट्टी पाई जाती है। इसकी जो कम्पैक्शन रिक्वायर्ड है वो 93 है। तो इसके बारे में हम आपको एफटीटी के बारे में बताएंगे कि इसका एफटीटी का टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। ये स्टूडेंट्स, हमने 15 सेंटी का इसमें डेप्थ लगानी है, एक होल बनाना है चीज़ और एमर की मदद से। ये हमारी सैंड बोतल है, ये सैंड कून है, और ये हमारा स्केल बैलेंस है जिसे वेट करते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो सैंड होती है ये हम 16 नंबर के पास और 30 नंबर का जो है ना रिटर्न से बनाते हैं। ये एक स्पेशल है तैयार करते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक रिक्वायर्ड होती है। अब स्टूडेंट, ये 15 सेंटी का हमने होल बनाया है, इसके अंदर हम सैंड डाले हैं। और कंपेक्शन क्या होती है कि हमने कंपेक्टेड मटेरियल को निकाला और उसकी जगह लूज को डाल दिया। हमने ये सैंड बोतल को ऊपर रखा और वल्व को खोल दिया। भाई साहब 55 ये मिट्टी के वेट किया, और अब हम इसको क्या करेंगे। ये देखे स्टूडेंट्स, अभी ऑल में जानी बंद हो गई है। अब हम इस वेट का जो है ना आफ्टर सेंड का जो हमारी 23.02 सेंड बच गई है उसको हमने क्या वेट किया। और ये स्टूडेंट देखें, जो हमने साहिल का वेट किया था बिफोर जो सेंड की थी, आफ्टर सेंड की थी, इसमें से इसको माइनस किया, उसमें से कैलकुलेट करके हमने जो वॉल्यूम निकाला है ये, और कैलकुलेट के मुताबिक ये हमारा 91.2 है और रिक्वायर्ड हमारा 93 था। तो सो ये फेल हो गया, और हम क्या करेंगे, इसकी रिकम्पेक्टेड करेंगे।